चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे पास जीतने की सारी व्यवस्थाएं हैं और लगता है वो व्यवस्थाएं भाजपा के काम भी आई, वो व्यवस्थाएं दिखी भी और जैसे ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई भाजपा चुनाव जीत गई। एकदम से रुझान भाजपा की तरफ दिखने लगे और कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो ईवीएम 70% चार्ज थी उनमें कांग्रेस के वोट थे और जो 99% यानी कि जो फुल चार्ज थी उनमें से सिर्फ भाजपा के वोट निकल रहे थे। राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर गड़बड़ी होने के साफ संकेत दिए हैं और अब यह हार कांग्रेस स्वीकार नहीं रही है और इसकी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई है। तो आगे सभी पहलुओं पर बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन पहुंचकर पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने क्या कहा आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस हार के बाद बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में चल रहे हैं कि आखिर ये हार हुई कैसे, क्योंकि हरियाणा में ये बात पक्की मानी जा रही थी कि कांग्रेस ही आ रही है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का आना और वो भी उसके पहले वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आना ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अचानक जो भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही थी वो बहुमत ही नहीं पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है, 48-49 सीटों पर पहुंच जाती है, जबकि 2019 के चुनाव में वो बहुमत से पीछे थी, बीजेपी के पास 40 सीटें थी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत और वो भी तब जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का आंदोलन, महिला पहलवानों के उत्पीड़न और अपमान का मामला, प्लस अग्निवीर जैसे नौजवानों को प्रभावित करने वाला मुद्दा, इसके अलावा सोने पे सुहागा, महंगाई, इन सभी बड़े राष्ट्रव्यापी मुद्दे होने के बावजूद भाजपा जीत गई, ये अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। और अब कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर से इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठा रही है और इलेक्शन कमीशन के पास अपनी अर्जी लेकर पहुंच गई है। चुनाव आयोग से कल कांग्रेस पार्टी ने मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो जयराम रमेश हो, हरियाणा के बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और इसके अलावा पवन खेड़ा, तमाम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए। चुनाव आयोग ने ही उनको वक्त दिया था। दरअसल शिकायतें कांग्रेस पार्टी की थी जिसको लेकर एक पूरी लिस्ट जिसमें किस जिले से शिकायत आई, किस बूथ से शिकायत आई और किस तरह की शिकायतें थी काउंटिंग को लेकर, वो पूरी लिस्ट कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस तरह की शिकायतें इलेक्शन कमीशन को सौंप चुकी है, मगर उसका क्या समाधान हुआ किसी को कुछ नहीं पता। खैर पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग से मिलने के बाद सारी बातें कही हैं। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया, करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। की शिकायत मिली जहां पर ये पाया गया कि ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, ये एक बहुत गंभीर आरोप पार्टी लगा रही है कि ईवीएम मशीन जिसने दिन भर काम किया हो वो 99% चार्ज कैसे रह सकती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर एक सामान्य मोबाइल भी किसी का है और अगर आप दिन में उससे कोई काम ना भी करें तब भी वो दिन भर में 99% चार्ज नहीं रह सकता, वे अपने आप में प्रोसेसिंग की वजह से कम हो जाता है।
और ईवीएम मशीन में तो वोट तक पड़े थे, तो फिर वो 99% चार्ज कैसे रह सकती है? और जिन सीटों पर 99% चार्ज था वहीं पर कांग्रेस हार गई, और जहां पर 70-80% चार्ज था वहां कांग्रेस जीत गई। तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर हम कई और बड़ी शिकायतें चुनाव आयोग को सौंपने जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि 99% जिन मशीनों की बैटरी है उनको सील किया जाए, जिस पर चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि वे इस पर संज्ञान लेंगे। तो भाई ये तो रहा शिकायतों का सिलसिला, मगर ईवीएम की हेरफेर कहिए या कुछ और, अब तो कांग्रेस चुनाव हार गई है, मगर सभी बड़े मुद्दे होने के बावजूद जो भाजपा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, फिर भी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हारना और बीजेपी का जीतना ये बताता है कि कुछ खेल हुआ है। और जो बात हमने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि नायब सिंह सैनी कैसे बहुत विश्वास के साथ आ गए थे, उनका कॉन्फिडेंस अचानक से हाई हो गया था। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। जबकि चुनाव के दरमियान बीजेपी के किसी नेता में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मनोहर लाल खट्टर पीछे कहीं भाग रहे थे, मंच पर नहीं थे, मोदी जी ने उनको बुलाया तक नहीं, मोदी की रैलियों में 5,000 से ज्यादा लोग नहीं जुट रहे थे। 4 रैलियां करके मोदी जी तो भाग गए, और अचानक ऐसा क्या होता है कि नायब सिंह सैनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते हैं कि हमने तो सारा इंतजाम सारी व्यवस्था कर ली है, हम वैसे ही चुनाव जीतेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में जीते थे। भाई अब तो डाउट छत्तीसगढ़ पर भी होने लगा है कि छत्तीसगढ़ कैसे जीते थे। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या होता है, क्या सच्चाई निकल, पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।